मेरे ख्याल से, और ध्यान की वगैरह ने तो और ज़्यादा उससे पढ़ा होगा। हमारे समय में तो यही होता था, लैंप तो छोटा वाला डिबिया होती थी, और रोज़ शाम को जो है कुछ घंटों के लिए हम जो है उसको, क्योंकि इतना ज़्यादा कैरोसिन जो मिट्टी का तेल बोलते हैं वो मिलता भी नहीं था बच्चों, तो हम लोगों को जो है वो ये होता था कि 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे, इस हिसाब से ही उसको जलाना पड़ता था। और रोज़ उसको जो है मतलब शाम को साफ करते थे पहले, फिर उसके बाद उस ऊर्जा को भी बचाते थे हम लोग, क्योंकि वो ऊर्जा भी बहुत सीमित थी। तो आज के समय में जहाँ हमारे पास बहुत सारे साधन संसाधन, ज्ञान विज्ञान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, अभी हम लोग बाहर प्रदर्शनी देख रहे थे तो यहाँ पर, यहाँ सोलर पंप, सौर ऊर्जा के तमाम पैनल, तमाम प्रकार की लाइटें और जगह जगह पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक हम स्वयं को, जैसा इन्होंने कहा सुंदरम जी ने, कि स्वयं को बदलना, स्वयं की आदतों में शुमार करना, कि अगर हम शुरू कर दें, और जो भारत सरकार ने भी लक्ष्य लिया है कि 2030 तक जो ऊर्जा की खपत है वो 15% कम करना है, और ये बहुत बड़ा काम होगा। इसकी शुरुआत हमें उत्तराखंड राज्य से भी इसलिए भी करनी है क्योंकि तो उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्राकृतिक जो साधन है, संसाधन है, हमारे पास जो स्रोत हैं वो अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन उन स्रोतों को केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं बने हैं, और हम उपयोग उनका उस प्रकार से कर भी नहीं रहे। हम समूचे पर्यावरण को सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बना रहे उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार यहाँ सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, तमाम जो हमारे प्राकृतिक ऊर्जा है उन सभी पर विशेष रूप से, उनका हमेशा से एक, मैं कहूँ कि उनका एक आधिकारिक जोर रहता है, आधिकारिक रूप से वो कहते हैं, सभी का आह्वान करते हैं, तो हमको उस दिशा में निश्चित रूप से सोचना चाहिए, जो हमारे विकास के मॉडल हैं वह भी किस प्रकार के हों, इस पर भी लगातार चर्चा होनी चाहिए। और मैं तो मीनाक्षी सुंदरम जी से कहूँगा कि ये ऊर्जा संरक्षण दिवस केवल औपचारिक दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाए, और उसके बाद हम सब लोग आगे बढ़ जाएं, इससे काम नहीं चलने वाला है। इसको हमें अपनी आदत के रूप में, प्रत्येक दिन हमारे लिए ऊर्जा संरक्षण का दिवस है, हर दिन ऊर्जा संरक्षण है। और यह बात हम अपने इन बेटे बेटियों को ठीक प्रकार से दे पाएँ, उनके माध्यम से आगे बढ़ा पाएँ, तो हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि हमारे से पूरे देश की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ जब हमारा प्रदेश बन रहा था, सचमुच यह प्रदेश जो है ऊर्जा आधारित प्रदेश बनेगा, और ऊर्जा का अत्यधिक उत्पादन केवल हमारे लिए ही नहीं, हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और हम अन्य भारतवर्ष के राज्यों को, भारतवर्ष के लोगों को भी ऊर्जा देने का काम करेंगे। उस दिशा में हम कितना बढ़ पाए अभी, यह भी हमारे लिए थोड़ा एक प्रश्न है। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने 44 हमारी ऐसी विद्युत परियोजनाएं हैं जो रुकी हुई हैं अभी, उन सबको हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी, उनसे अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार, जो भी उसमें जितने भी हमको नो ऑब्जेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है, उन सभी पर जल्दी से जल्दी हमको नो ऑब्जेक्शन मिले और हम उस दिशा में आगे बढ़े जिसके कारण से हमारा ये राज्य बना था। हम लोग जब राज्य की अवधारणा कर रहे थे, राज्य बनाने की सोच रहे थे, उस समय हमारे सामने जो राज्य की आर्थिकी का जो आधार होगा, राज्य का मूल आधार होगा, उसमें से जहाँ पर्यटन एक बहुत बड़ा हमारे लिए आधार था उस समय और आज भी है, वहीं
इसके साथ साथ ऊर्जा भी उतना ही बड़ा आधार होगा, यह की कल्पना में था। तो हमको उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, जहाँ आज के अवसर पर हम ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वहीं ऊर्जा उत्पादन के भी विशेष रूप से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊर्जा शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब संरक्षण शब्द इसके साथ जुड़ जाता है तो यह शब्द और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो भी हम सब काम कर रहे हैं, और जो हमने 2025 की एक थीम के साथ ये काम शुरू किया है, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने मसूरी में जो चिंतन शिविर 3 दिन का आयोजित हुआ था, उसमें सभी एक्सपर्ट बाहर से भी आए थे, विभिन्न विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ थे, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और 2025 में हमारा राज्य हर दृष्टि से कैसे हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं, हिंदुस्तान के पहली पंक्ति के जो राज्य हैं, उन राज्यों में हम कैसे शामिल हों, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे अधिक आवश्यकता है, यहाँ ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता तो है ही है, ऊर्जा जनरेशन की भी और ऊर्जा बनी रहे इसकी भी आवश्यकता है। अगर हम सब के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी तो तभी हम लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो पाएंगे। और विशेषकर मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि प्रिय मेरे बेटे बेटियों, ऊर्जा तभी आती है जब हमारे अंदर उत्साह होता है, और उत्साह नहीं होता है तो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए ऊर्जा निरंतर बनी रहे, निरंतर प्रभाववान रहे, निरंतर हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, लगातार काम करते रहें, लगातार विचार करते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें, उसके लिए ऊर्जा का प्रभाववान होना बहुत जरूरी है। और ऊर्जा तभी प्रभावित होगी जब हमारे अंदर उत्साह होगा। और कहते हैं कि यह सब मन के मानने से भी होता है, कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, सुना है ना। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति का, अनंत ऊर्जा का भंडार है, यानी एक मनुष्य ही ऐसा है जो तो जिस दिशा में जाना चाहे, जो करना चाहे, उसकी क्षमता और उसकी ऊर्जा दोनों अनंत है। बस अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। तो कहा है किसी ने कि एक मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान अपनी शक्ति को पहचान, ए मनुष्य निज को तू जान अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। अगर हम सब लोग अपने आप को पहचान लें, अपनी शक्ति को पहचान लें, और जो हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है उसको ठीक से जान लें, तो कोई भी मंजिल हमारे लिए दूर नहीं है, कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है, कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, सब संभव है। बस आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इसके लिए अच्छी सोच की जहाँ आवश्यकता है, अच्छे विचारों की आवश्यकता है, परिश्रम की और लगन की और ईमानदारी की, अगर इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको मंजिल मिलेगी। आज जहाँ हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, और इन 8 सालों में, 8.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान अब नया हिंदुस्तान बन रहा है, नया भारत बन रहा है।
और आज का भारत एक श्रेष्ठ भारत, आज का भारत समर्थ भारत, आज का भारत समरस भारत, और आज का भारत शक्तिशाली भारत। हम सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जहाँ भारत के बच्चे, हमारे बेटे बेटियाँ बड़ी संख्या में यूक्रेन के अंदर फंस गए थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ के दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके युद्ध विराम करवाया, वहाँ के सारे बच्चे बाहर निकले। यहाँ भारत के बच्चे तो बाहर निकले ही निकले, तिरंगा लेके बाहर निकल रहे थे। वहीं हमारे पड़ोसी देशों के बच्चे भी, जो दिन रात हमारे बारे में क्या क्या कहते हैं आप लोग सुनते हैं, किस प्रकार के वो काम करते हैं यह भी आप लोग जानते हैं। उन बच्चों को भी उस देश से बाहर निकलने के लिए, यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आज का भारत और भारतवासी, हर किसी के मन में एक भाव जगाने का काम हुआ है कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अपने नेतृत्व कर सकते हैं। अभी मैं खिलाड़ियों के कार्यक्रम से आ रहा हूं, उससे पहले वहां मैंने देखा तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही है। खेलों के क्षेत्र में आप देखिए, आप कोई ऐसा मैदान नहीं है दुनिया का जिस मैदान पर भारत के खिलाड़ी भाग न लेते हों या भारत का तिरंगा न फहराते हों। ये नया भारत है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच का नेतृत्व भारत कर रहा है। संपूर्ण विश्व में स्वच्छ ऊर्जा के विकास को, संकल्प को लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता है उनके कालखंड में लगातार आगे बढ़ी है। 2014 में जो एलईडी बल्ब 400-500 रुपए की कीमत में मिलता था, आज 50-60 रुपये में हो गया। ध्यान जी कितने में हो गया, 50-60 रुपये में हो गया। आज है 70 में, 70 में हो गया। चलिए ठीक है, 70 में हो गया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के संपूर्ण विकास के लिए जहाँ जन भागीदारी सुनिश्चित हुई है, उसका एक नज़ारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि हमारे सभी बेटे बेटियों ने भी जो है इस ऊर्जा संरक्षण के जो प्रतियोगिताएं आयोजित की है उन सब में भाग लिया है। जन भागीदारी बढ़ी है और उसी का दृश्य है कि यहाँ पर इतने सारे छात्र, इतने सारी छात्राएं हमारे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में हम लोग जो भी कर सकते हैं, हम जितनी इसके लिए जागरूकता कर सकते हैं, जितना लोगों को इसके अभियान से जोड़ सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम लोग जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं तो कमरे का बल्ब हम बंद नहीं करते, ट्यूबलाइट बंद नहीं करते, जो भी लाइट लगी होती है उसको बंद नहीं करते हैं, और वैसे ही चल देते हैं। पंखा चल रहा होता है, पंखे को छोड़ देते हैं, कई बार एसी चल रहा होता है उसको भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके जितना ऊर्जा का उत्पादन जरूरी है, उतना ही ऊर्जा का संरक्षण भी जरूरी है, उसको बचाना भी जरूरी है। तो हम लोग इसको निश्चित रूप से ध्यान देंगे, तभी आज का ये दिवस मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। मैं पुनः सभी हमारे प्यारे बेटे बेटियों को, छात्र छात्राओं को, सभी को आज बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सभी इस कार्यक्रम में पधारे लोगों को, इसके आयोजकों को, सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि ऊर्जा संरक्षण का दिवस निश्चित रूप से हमारे लिए इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आज से संकल्प लेकर हर क्षेत्र में जो भी हमारा योगदान हो सकता है, इस योगदान को अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए देना सुनिश्चित करेंगे। इतना ही आप सबसे कहते हैं।